बराबर है भाई। श्रीमान भाई एक छोटा बेबी उसमें बैठ जाएगा क्या? बाकी उन्हीं का पहले गाइस पहले पहले तो आपको पता है कि नहीं, मुझे आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं, वो पहले बाय का ना ऐसा आवाज आता था ना, सुर से आवाज अलग आता है और मुंह से अलग। मुझे याद है, मेरी आजी निवड़ती थी, मुझे याद है, अच्छे से याद है। बहुत ही खतरनाक है क्या पे दिया है। 1 ms रिस्पॉन्स टाइम, फुल एच डी 165 hertz, 15000 R का कर्व है ऐसा कुछ है, एंड DSD साइड किक है ऐसा कुछ है, DSi P3 RGB 2.0 फ्यूजन है, FreeSync 2 टेक्नोलॉजी है, HDRR, बहुत कुछ कुछ है बे। मुझे नहीं इंटरेस्ट इतना पढ़ने में। ये पीछे से जो है ना, पीछे से जो है ना ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे तो माउंट है, लेकिन ये जो है ना, ये RGB है गाइस, ये RGB। मैं आपको शायद लगा के दिखा दूं कैसे लगा, हाँ दिखा सकता, दिखा लाऊं, लगा के दिखाऊंगा आपको। ये मस्त है, बस इसको एक चीज नहीं दी गई है, वो है इनबिल्ट स्पीकर, और इनबिल्ट स्पीकर ना देने के लिए आई शपथ आशुष आरोज, सॉरी क्या कहते हैं इसको, आरोस भाई, आरोस की पूरी कंपनी गीगाबाइट आरोस, आपको बहुत रिस्पेक्ट। कंप्यूटर पे स्पीकर मत दिया कीजिए, कोई जरूरत नहीं, वैसे भी देख के वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। जितने भी लैपटॉप सॉरी जितने भी मॉनिटर बनाने वाली कंपनी अगर मुझे देख रहे हो, मैं आई शपथ पाया पड़ता है, बिना वजह के वो स्पीकर मत दो रे है, थोड़ा सा बाहर आवाज आ रहा है, मेरा मोबाइल ज्यादा डबल पावर से बचता है वो स्पीकर से, अच्छा जरा बड़े स्पीकर तो दो, दे रहे हो तो है, अरे बस डालने का इसलिए डाल रहे हो, नहीं चाहिए कर दो क्रॉस कटिंग, इंची कट कट, बराबर है कि नहीं अनु भाई? बराबर है भाई। डिस्प्ले के स्क्रीन पे ज्यादा खर्चा करो स्पीकर से। सूप निवडायचं काम चाललंच तर त्याच टेबल ऐसा हो गया, मुझे लगा अब क्या होगा मेरा बाबू। श्रीमंत भाऊ गहू निवडायला वापरलं असतं आपण। अरे शपथ, ये लिटरली टेबल ना, देखो ऐसा हो गया ऐसा, और रपक करके ठीक हो गया बाबो, बाबा सायकल ची शपथ ना झाला असता, ना लाइव स्ट्रीम वर लाइव झाला असता। हो ओ बहुत ज्यादा हेवी है, इसमें टीम अप फाइट ऑन, टीम अप फाइट ऑन गाइस, आपको पता है टीम अप फाइट ऑन, जब ये स्ट्रीम हुई थी तो इस चीज को, इस डायलॉग को हमने लिया था, टीम अप फाइट ऑन, मतलब क्या पता है ना, कि हमें टीम अप होना चाहिए, जब भी कोई दिक्कत चल रही हो ना अपने आसपास, किसी के भी साथ दिक्कत चल रही हो, कोई दुखी है, अगर आप लोग टीम अप होके अगर उसकी मदद करो ना, तो टीम को भी कोई दिक्कत नहीं होती और मदद होने वाले का लाइफ बन जाता है, समझ रहे हो ना। तो हमेशा अपने आसपास देखते रहो, अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो हो जाओ सारे इकट्ठा और सब मिलके अगर मदद करोगे तो 100% बहुत ईजी मदद सक्सेस भी हो जाती है, सामने वाले का काम भी हो जाता है, अपने को कोई ज्यादा धक्का भी नहीं पहुंचता है आराम से। ओके, ये मॉनिटर का विषय है।